AI1, how you all? So, कैसे हो आप लोग? So, जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है अगली लव और ये बुक लिखी है कोलिन होवर ने। सो, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आपसे रिक्वेस्ट है, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो लोग हमें मॉनिटरी सपोर्ट करना चाहते हैं, आप जो ये स्क्रीन पर QR कोड देख रहे हो आप इसका यूज़ कर सकते हो ताकि आप हमें मॉनिटरी सपोर्ट कर सको। सो, ये है बुक में चैप्टर नंबर 10 और इस चैप्टर का नाम है माइल्स। अब बात होती है 6 साल पहले की। जो ईएन होता है ना उसको सब कुछ पता होता है, जो माइल्स होता है ना उसने बता दिया होता है पहले हफ्ते के बाद ही कि भाई वो क्या फील करता है रेचल के बारे में। और जो रेचल है ना उसको भी ये पता है कि ईएन है, उसको सब कुछ पता है। अब जो रेचल है ना वो ये भी अच्छे से जानती है कि जो ईएन है वो किसी को भी नहीं बताने वाला। और जो माइल्स होता है ना वो दूसरा खाली कमरा ले लेता है, क्योंकि माइल्स का इकलौता ऐसा कमरा होता है ना जिसमें अटैच बाथरूम होता है। और माइल्स है ना वो चाहता है कि भाई जो रेचल है ना उसको अच्छा कमरा मिले। अब वो दोनों एक साथ शिफ्ट हो चुके हैं। अब जो ईएन होता है ना वो रेचल से पूछता है कि ये तुम्हें बॉक्स चाहिए यहाँ पे? अब जो रेचल है ना पूछती है कि इस डब्बे में क्या है? अब जो ईएन होता है ना वो कहता है इसमें ब्रा और तुम्हारे अंडरवियर है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इसको ना माइल्स के कमरे में रखना चाहिए। अब जो रेचल है ना वो ईएन की तरफ देखती कहते हैं अश। और ना ये कह के जो माइल्स होता है वो हंसने लगता है, जो ईएन होती है वो भी हंसने लगती है। और कहीं ना कहीं जो रेचल है ना वो ये जानती है कि भाई इसको सब कुछ पता है इसलिए हमसे ऐसी मजाक कर रहा है, और ये ना कभी भी ये चीज़ किसी को नहीं बताने वाला। अब जो ईएन होता है ना जो भी इसको डब्बे डुब्बे मिले होते हैं वो सारा उसके कमरे में ला के रख देता है। अब जब माइल्स अपने पापा के पास से गुजर रहा होता है ना हॉलवे में, उसके पापा रुक जाते हैं। इसका मतलब ये होता है ना कि माइल्स को भी रुकना पड़ेगा। उसके पापा कहते हैं ना थैंक यू माइल्स। अब माइल्स मन में सोचता है ना कि मेरे पापा को लगता है कि ये सब कुछ ओके है, कि मैं किसी दूसरी औरत को अलाउ कर रहा हूँ कि वो हमारे घर में आके हमारे साथ रह सके, लेकिन ये ओके नहीं है। मैं बस प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ से ओके हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बस फ़र्क इतना पड़ता है कि भाई रेचल मेरे साथ है ना कि ये। अब जो माइल्स है ना कहता है कोई बात नहीं। अब माइल्स के पापा ने इतने में जाने ही लगते हैं, वो दोबारा से रुक जाते हैं। वो कहते हैं ना मुझे अच्छा लगा कि तुम रेचल के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हो। फिर माइल्स के पापा कहते हैं ना कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ और मैं हम लोग सोच रहे थे कि तुम्हें छोटा भाई दे दे और तुमने एक बड़े अच्छे बड़े भाई बनते। अब जब ये वर्ड सुनता है ना माइल्स, उसको बड़ा ख़राब लगता है। फिर वो ना रेचल के कमरे में वापस चला जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, और न सिर्फ वो ही दोनों होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को ना स्माइल कर रहे होते हैं। अब जो माइल्स होता है ना उसकी तरफ जाता है, उसको ना अपने बाहों में लेता है, फिर उसकी ना गर्दन पे किस करने लगता है, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते पहले इन्होंने एक दूसरे को किस करी थी। और उसके बाद जो माइल्स है ना उसको एक एक किस याद थी कि मैंने कब कब इसको किस करा था। और ये लोग ना इस तरीके का व्यवहार स्कूल में नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते, ना ही अपने पेरेंट्स के सामने कर सकते। माइल्स बस उसको तब छू सकता है जब वो अकेले में हो, और पिछले 3 हफ्ते से ना इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अकेले ताकि एक दूसरे के साथ हो सके। अब माइल्स सोचता है ना मन में अब मैं इसको किस कर सकता हूँ। अब जो रेचल है ना वो कहती है हमें ना कुछ गाइडलाइन सेट करनी पड़ेगी इससे पहले कि हम मुसीबत में आ जाएं। और ना थोड़ा सा दूर हो जाती है माइल्स से, और ना आराम से अपनी डेस्क पर बैठ जाती है। जो माइल्स होता है ना अपने बेड पर बैठ जाता है। अब फिर माइल्स मन में सोचता है कि नहीं, रेचल अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और मैं उसके बेड पर बैठ जाता हूँ। अब जो रेचल है ना वो कहती है सबसे पहला हम लोग कोई भी ना मेकआउट नहीं करेंगे, किस वगैरह कुछ भी नहीं करने वाले जब वो लोग घर पे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब जो माइल्स है ना वो इस रूल से एग्री तो नहीं करना चाहता, लेकिन तब भी अपना सर हिला के हाँ बोल देता है। फिर रेचल कहती है ना दूसरा रूल हम सेक्स नहीं करेंगे। अब जो माइल्स है ना अपना सर हिला के मना ही नहीं करता, ना ही हाँ करता है। और माइल्स कहता है कभी भी नहीं। अब जो रेचल होती है ना सर हिला के मना करती है, और ये चीज़ ना माइल्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। अब माइल्स उससे पूछ ही लेता है क्यों। अब रेचल कहती है ना कि जब हम लोग सेक्स करेंगे तो हम लोग जब एक दूसरे से दूर होंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये तुम्हें भी पता है। और कहीं ना कहीं जो रेचल थी ना वो सही भी थी, और वो कहीं ना कहीं गलत भी थी। ये चीज़ ना उस माइल्स को फीलिंग तो आ रही थी, लेकिन वो सोचता है ना माइल्स के हम लोग चलो फिगर आउट कर लेंगे। अब जो माइल्स है ना वो कहता है मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि रूल नंबर तीसरा क्या है इससे पहले कि मैं दूसरे रूल को हाँ बोलूँ। अब जो रेचल है ना वो कहती है कोई रूल नंबर तीसरा नहीं है। अब माइल्स कहता है ना इसका मतलब जो सेक्स है वो सबसे लास्ट लिमिट है ना, और तुम किसकी बात कर रही हो, जब मैं तुम्हें पेनिट्रेट करूँगा या फिर तुम मुझे ओरल सेक्स करोगी। अब जो रेचल होती है ना अपने हाथ से अपना चेहरा छुपा लेती, कहती है हे भगवान तुम्हें इतना स्पेसिफिक क्यों जाना है। और माइल्स को ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है जब वो एम्बेरस होती है हल्का सा। अब जो माइल्स होता है ना वो कहता है मैं बस क्लैरिफाई कर रहा था कि भाई मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छे से जीने के लिए, तो मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। अब जो रेचल है ना वो कहती है हम ना ये सिचुएशन के हिसाब से स्पेसिफिक छोड़ देंगे। अब जो माइल्स है ना कहता है हाँ ये भी ठीक है। अब जो माइल्स है ना उससे पूछता है रेचल क्या तुम वर्जिन हो। अब जैसे ही ये पूछता है ना जो रेचल होती है उसके तो गाल बिल्कुल लाल हो जाते हैं, वो अपना सर हिला के मना करती है कि नहीं। और फिर रेचल उससे पूछ लेती है कि इस चीज़ से तुम्हें प्रॉब्लम है। अब जो माइल्स होता है कहता है बिल्कुल भी नहीं। अब फिर ना रेचल उससे पूछती है कि तुम वर्जन हो। अब जो माइल्स होता है कहता है नहीं, लेकिन मैं तुमसे मिला हूँ ना मुझे लगता है कि मुझे वर्जन होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं रेचल को भी ये चीज़ पसंद आती है कि माइल्स ने उसको ऐसा जवाब दिया। अब जो माइल्स होता है ना वो खड़ा हो जाता है कि भाई चलो मैं यहाँ से चाहता हूँ, अब जो मेरा बेडरूम है मैं उसको भी थोड़ा सही कर लूँ। और जाने से पहले ना जैसे वो दरवाजे तक पहुँचता है वो रेचल के दरवाजे को ना बंद कर देता है, और फिर ना स्माइल करते हुए ना उसके पास आता है, उसका हाथ अपने हाथों में लेता है ना, उसका अपना हाथ उसकी कमर में डाल के उसको कस के अपने पास खींचता है और उसको ना किस करना स्टार्ट कर देता है। अब इसी वीडियो में जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11 और इस चैप्टर का नाम है टेट। अब जो टेट होती है ना ये लोग रास्ते से सफर वापस करके आ रहे होते हैं सैन फ्रांसिस्को। अब जो टेट है ना वो कहती है मुझे सुसु करने जाना है। अब जो कॉर्बिन कहता है दोबारा से। अब जो टेट है ना कहती है पिछले 2 घंटे से मैं वॉशरूम नहीं गई हूँ।
अब जो टेट है ना कहीं वो बाथरूम यूज़ नहीं करना चाहती है, वो बस इस कार से निकल के ना थोड़ा सा टाइम अलग बिताना चाहती है, क्योंकि भाई जब से पिछली रात को उसकी बात हुई थी माइल्स से ना, उसके बाद इस कार में ना अलग ही फीलिंग आ रही है, क्योंकि माइल्स भी बैठा है यहाँ पे, वो भी बैठी है, और टेट को ऐसा लग रहा है ना कि हर तरफ बस माइल्स ही माइल्स अब और ज़्यादा हो चुका है, और हर बीतते मिनट के साथ साथ वो उससे बात नहीं कर रहा, और उसको ये लगता है ना कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, और कहीं ना कहीं उसको ना रिग्रेट भी हो रहा था कि मैंने उसके साथ कल रात को वो बात करी, और मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि कभी वो चीज़ कभी हुई नहीं। अब टेट को ये लगता है ना कि कहीं माइल्स रिग्रेट तो नहीं कर रहा कि मैंने इसके साथ बातचीत करी, और टेट को ये लगता है ना कि शायद ये हो सकता है ये प्रिटेंड कर रहा हो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अब टेट सोचती है ना मेरे पापा ने भी ऐसे ही प्रिटेंड करा होता कि शायद वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि आज सुबह निकलने से पहले जो टेट थी ना वो आराम से किचन की टेबल पर बैठी हुई थी अपने पापा के साथ, और जैसे ही माइल्स वहाँ पर आया ना उसके पापा ने उसे पूछा नींद अच्छी आई माइल्स, अब जो माइल्स होता है ना वो आराम से सीट पर बैठ जाता है टेबल पर। अब टेट को ये लगता है ना हो सकता है ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो कि इसने ये क्या कर दिया, वो क्या करता है ना उसके पापा से आके हाथ मिलाता है, कहता है नहीं ज़्यादा अच्छी नींद नहीं आई, जो आपका बेटा है ना वो रात को सोते सोते बात करता है। अब जो उसके पापा होते हैं ना वो ग्लास उठाते हैं माइल्स की डायरेक्शन में, कहते हैं ना चलो ये सुन के अच्छा लगा कि तुम एटलीस्ट कॉर्बिन के साथ थे पिछली रात को। अब टेट मन में सोचती है ना कि जो कॉर्बिन था वो अभी तक यहाँ पे आया नहीं था, अदरवाइज ये कमेंट कॉर्बिन भी सुन लेता। अब जो माइल्स है ना वो बिल्कुल शांत होता है पूरा ब्रेकफास्ट करते वक्त, वो कुछ नहीं बोलता। अब टेट नोटिस करती है जो माइल्स है ना उसने बोलना तब शुरू करा होता है जब वो लोग कार में बैठ चुके थे वापस आने के लिए। अब जो माइल्स है ना निकलने से पहले वो क्या करता है उसके पापा के पास जाता है, उसके पापा से हाथ मिलाता है और कुछ ना उनके पास आके कहता है, और वो ना इतने आराम से कहता है कि सिर्फ उसके पापा और माइल्स तक की वो बात रहे। अब जो टेट थी ना वो कोशिश करती है कि भाई जो भी उसके पापा का एक्सप्रेशन है वो थोड़ा पढ़ सके कि क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन जितना अच्छा माइल्स है ना चीज़ों को छुपाने में उतने अच्छे उसके पापा भी हैं। और टेट को ना कहीं ये हो रहा था कि भाई माइल्स ने मेरे पापा से ऐसा क्या बोला जब हम लोग सुबह निकल रहे थे तो। और टेट के पास ना और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो वो माइल्स से पूछना चाहती थी, और जब टेट और कॉर्बिन छोटे थे ना दोनों भाई बहन, ये लोग हमेशा एक दूसरे से बात करते थे कि भाई हम लोग के पास अगर सुपर पावर्स होंगी तो वो कौन सी होंगी, और ये लोग ना हमेशा एक ही चीज़ पे कहते थे कि हम लोग पे ना उड़ने वाली सुपर पावर होनी चाहिए। लेकिन अब वो माइल्स को जानती है, उसको ये लगता है ना कि शायद मुझे बचपन में ना वो सुपर पावर चेंज करनी पड़ेगी, अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती ना तो इस वक्त वो सुपर पावर ये होती कि भाई मैं सामने वाले के दिमाग में झांक के देख सकूं कि भाई क्या चल रहा है उसके दिमाग में, और एक एक उसका थॉट पढ़ सकूं, स्पेशली माइल्स का, और मैं ना इसके दिमाग में जाना चाहती हूँ और इसके दिल में एक वायरस की तरह स्प्रेड होना चाहती हूँ, और मैं अपने आप को ना इन्फिल्ट्रेटर कहूँगी, हाँ ये बड़ा अच्छा नाम भी रहेगा। अब जो कॉर्बिन होता है ना वो क्या करता है पार्क में गाड़ी लगा देता है, कहता है जाओ सुसु करके आओ। अब जो टेट है ना वो सोचती है अगर हम लोग हाई स्कूल में होते ना तो मैं इसको बटहोल कहती, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना वो अपने भाई को बटहोल कभी नहीं कहते। अब ना टेट कार से निकलती है और उसको ऐसा लगता है कि चलो उसको बाहर सांस तो आई। अब जैसे ही माइल्स भी दरवाज़ा खोलता है ना उसका तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है, जो माइल्स है ना उसको बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है, वो सांस लेने में और उसको दिक्कत होती है, और वो लोग ना साथ साथ गैस स्टेशन में जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से ना कुछ भी नहीं बोलते। अब टेट सोचती है ना ये भी कितनी मजाक की बात है कि चीज़ें कैसे काम करती है, कई बार ना हम लोग बहुत चीज़ें कहते नहीं हैं लेकिन बिना कहे भी वो सब चीज़ें बहुत कुछ कह देती हैं, और इस वक्त जो मेरी शांति थी ना वो बस ये कह रही है कि मुझे नहीं पता कि इस वक्त मुझे क्या बात करनी है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सोचना है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझसे बात करो, मुझे सब कुछ बताओ जो भी तुमने मुझसे कहा सारे शब्द बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब टेट सोचती है ना ये तो मेरा साइलेंस है, इसके मन का साइलेंस क्या कह रहा होगा। और जैसे ये लोग गैस स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं ना जो माइल्स होता है उसको बाथरूम का साइन दिख जाता है, वो ना सीधे सीधे जाने लगता है। अब जो टेट होती है ना वो भी इसके पीछे पीछे जा रही होती है। अब जो माइल्स होता है बिल्कुल सॉलिड होता है, लेकिन वो तो बेचारी लिक्विड हो चुकी है। अब जो माइल्स होता है ना जैसे वो लोग बाथरूम के दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं, जो माइल्स होता है ना बिना उसको देखे बिना कुछ कहे सीधे जो जेंट्स का वॉशरूम होता है ना उसके अंदर चला जाता है। जो टेट होती है ना वो चुपचाप फीमेल वाले वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन जो माइल्स होता है ना उसने उसको बिल्कुल भी देखा नहीं होता कि वो अंदर गई हुई है नहीं गई है। और जो टेट थी ना उसको वॉशरूम इसलिए यूज़ नहीं करना था कि उसको एक्चुअली में वॉशरूम जाना है, वो बस वहाँ पे ना थोड़ी गहरी सांस लेना चाहती थी। और टेट मन में सोचती है ना कि ये तो भाई हर जगह ना कब्जा कर लेता है, हर जगह मेरे दिमाग में मेरे ख्यालों में, और सोचती है ना कि आज से ना इसके पास अगर कोई सुपर पावर होती तो इसके पास होती इन्वेजन वाली पावर, और मैं हूँ इन्फिल्ट्रेटर ये है इन्वेडर, और हम लोग ना कितना अच्छा एक टीम बना लेंगे, है ना। अब तो टेट है ना आराम से अपना हाथ धुलती है, थोड़ा टाइम वेस्ट करती है ताकि कॉर्बिन को ये लगे कि भाई हाँ हम लोग यहाँ रुके हैं तो इसने एटलीस्ट इतना टाइम स्पेंड करा है। और जैसे ही जो टेट है वो दरवाजे से बाहर निकलती है ना वो देखती है कि भाई जो माइल्स है ना वो बाहर ही खड़ा होता है, और वो ना बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा होता है, वो वहाँ से बिल्कुल भी हिलता नहीं है। अब माइल्स उससे पूछता है तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए, अब जो टेट है ना उसे हिला के मना कर देती है, कहती है ना मेरे पास पानी है कार में, और माइल्स से कहता है तुम्हें भूख लगी है। अब टेट कहती है ना उससे कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी। अब ये सुन के ना जो माइल्स होता है थोड़ा निराश हो जाता है, और शायद हो सकता है उन लोगों को ना वापस कार में जाना पड़े। अब जो टेट है ना वो कहती है लेकिन हाँ मुझे कुछ कैंडी चाहिए। अब जब ये बात माइल्स सुनता है ना तो थोड़ा सा उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, माइल्स कहता है ना कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कैंडी खरीदता हूँ, और लोग ना कैंडी की शॉप पे जाने लगते हैं। अब जो लोग कैंडी की शॉप पे पहुँचते हैं ना वहाँ पे देख रहे होते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, और उन्हें कैंडी को बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब वो लोग ना कुछ बोलते नहीं है, ना ही वो एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं। अब जो टेट थी ना उसको एक्चुअली में कोई भी कैंडी नहीं चाहिए थी, वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, और जो टेट है ना कहती है ये बड़ा अजीब है ना। अब जो माइल्स है ना कहता है क्या अजीब है कि हम लोग यहाँ पे कैंडी लेने आए हैं,
या हम लोग को ऐसा प्रटेंड करना पड़ रहा है कि हम लोग एक दूसरे को बैक सीट में नहीं चाहते रहे। अब जो टेट है ना कहती है वाओ मैं इसके ना एक्चुअली में ख्यालों को पढ़ सकती हूँ, और ये वो शब्द थे ना जो टेट को सुन के बड़े अच्छे लगते हैं। अब जो टेट है ना कहती है दोनों क्या तुम सिगरेट पीते हो? अब जो माइल्स होता है उसकी तरफ दोबारा से देखता है, कहता है ना नहीं। अब जो टेट है ना उसे पूछती है तुम्हें याद है जब बचपन में कैंडी वाली सिगरेट मिलती थी जब हम छोटे बच्चे थे? अब जो माइल्स है ना कहता है हाँ काफ़ी अजीब थी तुम्हें नहीं लगता? अब टेट कहती है ना कॉर्बिन और मैं ना हमेशा वो खरीदते थे, और जब मैं बड़ी भी हो जाऊंगी ना जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी वो खरीदने नहीं दूंगी। अब जो माइल्स होता है ना वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बनाते भी नहीं है शायद, और उन्हें कैंडी की तरफ देख रहे होते हैं। अब जो माइल्स है ना उससे पूछता है क्या तुम करती हो? अब जो टेट है ना वो कहती है क्या करती हूँ? अब जो माइल्स है ना कहता है सिगरेट पीती हो? अब जो टेट है ना वो कहती है नहीं। माइल्स कहता है ना अच्छी बात है, और उन्हें कैंडी को ऐसी घूर के देख रहे होते हैं। अब माइल्स कहता है ना क्या तुम्हें सच्ची में कैंडी भी चाहिए टेट? अब जो टेट है ना वो मना कर देती है कि नहीं। अब जो माइल्स है ना वो हंसने लगता है, कहता है मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें कार के पास वापस जाना चाहिए। अब जो टेट है ना वो हाँ कह देती है, लेकिन दोनों ना वहाँ से हिलते नहीं है। अब माइल्स क्या कहता है ना अपना हाथ टेट के हाथ के पास लेके आता है, और उसकी ना दो उंगलियाँ पकड़ लेता है और ना हल्का सा उसको चलने के लिए कहता है। अब जो टेट होती है ना कहती है रुको, और ना उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है ना तुमने आज सुबह आने से पहले मेरे पापा से क्या कहा जब हम लोग निकल रहे थे? अब जो माइल्स होता है ना उसको देख रहा होता है, कहता है ना मैंने उनसे माफ़ी मांगी, और उन्हें दरवाजे की तरफ फिर से जाने लगते हैं, और उन्हें उसका हाथ पकड़ के ऐसे ही चल रहा होता है उसकी दो उंगलियाँ। और जब लोग दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं ना माइल्स तभी उसका हाथ छोड़ता है, और जो टेट है वो उसके पीछे पीछे आती रहती है। जब ये लोग कार तक पहुँचते हैं ना वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। अब टेट को मन में ऐसा लगता है ना कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके दिमाग में झांक भी पाऊंगी, क्योंकि भाई जो इसका शरीर है ना वो तो पूरा एक कवच है, और मुझे नहीं लगता कि भाई इसकी बॉडी में झांकना इतना आसान भी होगा, इसके दिमाग में झांकना इतना आसान है। और टेट को लगता है ना मुझे नहीं पता ये मैं कर भी सकती हूँ माइल्स, मुझे नहीं पता कि मैं रूल नंबर 2 फॉलो भी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं अभी से ना तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखना शुरू कर सकूँ। तुम्हारे साथ फ्यूचर देखना मेरे लिए ज़्यादा आसान है रेदर देन कार की बैक सीट पर सेक्स करना। अब जो माइल्स है ना जब वो कार में पहुंच जाते हैं वो कॉर्बिन को बोलता है, बहुत लंबी लाइन थी। अब जो कॉर्बिन होता है ना वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, रेडियो स्टेशन चेंज कर देता है। अब ना कॉर्बिन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लंबी लाइन थी, क्योंकि ना अभी उसको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है माइल्स और टेट पर। अब लगभग 15 मिनट बीत चुके थे, ये लोग ड्राइव कर रहे थे। अब जो टेट है ना वो उसके मन में ना कुछ ख्याल चल रहे होते हैं, वो माइल्स के बारे में नहीं सोच रही होती, उसके ख्याल ना पुरानी यादों के बारे में चल रहे होते हैं। अब टेट कहती है ना तुम्हें याद है जब हम लोग छोटे बच्चे थे हम लोग उम्मीद करा करते थे कि हम लोग के पास सुपर पावर होंगी, और हम लोग कहते थे हमें उड़ने वाली सुपर पावर चाहिए। अब जो कॉर्बिन है वो कहता है हाँ मुझे याद है। अब टेट कहती है ना तुम्हारे पास एक्चुअली में वो सुपर पावर है, तुम उड़ सकते हो। अब जो कॉर्बिन है ना वो शीशे में देख के उसको स्माइल करता है, कहता है हाँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम सुपर हीरो हैं। अब जो टेट है ना आराम से सीट पर बैठ जाती है, खिड़की के बाहर देख रही होती है, और उसको ना थोड़ी जलन भी हो रही होती है कि मतलब ये दोनों पायलट हैं, दोनों हवाओं में उड़ते हैं, हर जगह ट्रैवल करते हैं। अब टेट कहती है ना तुम्हें कैसा लगता है जब तुम लोग सनराइज़ देखते हो हवा में? अब जो कॉर्बिन है वो कहता है मैं कभी नहीं देखता, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ अपने काम में जब मैं ऊपर होता हूँ तो। अब ना ये चीज़ सुनने के बाद जो टेट है ना उसको थोड़ा सैड भी फील होता है कि मतलब ये ना बहुत चीज़ों को ग्रांटेड लेता है। अब जो माइल्स है ना वो कहता है मैं देखता हूँ, और वो भी ना खिड़की के बाहर देख रहा होता है, उसने इतने हल्के बोला होता है ना ये लोग सुन ही नहीं पाते। अब वो कहता है ना मैं हर बार देखता हूँ जब भी मैं ऊपर होता हूँ। अब माइल्स ने ना ये बात ऐसे कही होती कि उसके दिल में बहुत कुछ है कि उसको देख के क्या फील होता है, कैसा वो फील करता है, लेकिन वो ना कुछ ज़्यादा बताता नहीं है। अब टेट कहती है ना तुम लोग ना जो भी यूनिवर्स की लॉ है तुम उसको बैंड कर देते हो जब तुम फ्लाई करते हो, और ये ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है कि भाई तुम ग्रेविटी को भी पीछे छोड़ दे रहे हो, तुम सनराइज़ और सनसेट देख रहे हो वो भी उस पॉइंट से जहाँ पे कोई भी नहीं देख पाता, और तुम लोग तो ना सच्ची के सुपर हीरो अगर तुम एक सही मायने में सोचो तो। अब जो कॉर्बिन होता है ना शीशे में से अपनी बहन को देखता हंस रहा होता है। अब जो टेट है ना वो मन में सोचती है तुम चीज़ों को बहुत ग्रांटेड लेते हो कॉर्बिन। अब जो माइल्स है ना वो बिल्कुल भी नहीं हंस रहा होता, वो अभी भी अपनी खिड़की से बाहर देख रहा होता है। अब जो माइल्स है ना वो कहता है तुम भी जाने बचाती हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। अब जैसे ही ये टेट ये सुनती है ना उसका तो दिल एकदम बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, उसको ये लगता है ना जो रूल नंबर 2 था वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं है। तो इस नोट पे होती है ये वीडियो ख़त्म, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।